हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में रेलवे में ज्वाइन किया है NTPC ग्रुप डी में, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रेलवे और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 राज्यों में BJP की हाल में सरकार बनी है और उसके बाद ऐसा फैसला लेना कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट कर सकता है। और उसके बाद हम लोग न्यू वैकेंसी के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, देखो रेलवे की वैकेंसी का तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं लगता है, उनके नोटिसेज जो है आते रहते हैं। तो मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है जॉब्स्ट्री के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सभी जॉब्स के अपडेट मैं आपको टाइम टाइम पर देता रहता हूँ। जैसे राइट्स एक रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है, उसमें वैकेंसी आ रखी है। उत्तर रेलवे में पियॉन की वैकेंसी आई थी, उसके अलावा पंचायत सचिव की वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में LDC असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी आई है, उसके अलावा जिला न्यायालय परिसर में भर्ती आ रखी है। तो इस तरह की जो भर्ती है उनकी अपडेट्स मैं अपने इस चैनल पे ऑथेंटिक वे में देता हूं, तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण आपको पता नहीं लगता है। तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो का लाभ लेना ना भूलें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रेलवे और केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में। साथ ही अगर आप लोग रेलवे की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम न्यू वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। देखो, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है 2013 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और 2016 में इसको लागू किया गया था। और ये कहा गया था कि 10 साल बाद इसको रिवाइज करके 8वां वेतन आयोग जो है वो लाया जाएगा। इसके अनुसार 2023 में 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए था और 2026 में इसको लागू करना चाहिए था। अब ये 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में जाने से फायदा क्या था कि जो आपका बेसिक पे है वो इंक्रीज होता, सैलरी में इंक्रीमेंट होता, बहुत सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट मिलता। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर क्या है कि अभी 3 राज्यों में BJP की बड़ी जीत हुई और उसके तुरंत बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो यहाँ पर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दे सकता है। यहाँ पर देखिए, कल का न्यूज़पेपर है, बोला गया है कि 8वें वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की फिलहाल योजना नहीं है। वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग के गठन पर चर्चा नहीं हो रही है। तो देखो, यहाँ पे अगर 8वां वेतन आयोग गठित नहीं होता है तो बहुत सारे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन ये बात BJP ने यानी कि हमारी मौजूदा सरकार ने बहुत पहले से इस बात का जो है आभास दे दिया था कि जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू नहीं होगा। अब 8वां वेतन आयोग अगर लागू नहीं होगा तो चेंजेस क्या होंगे वो आप समझ लीजिए। जैसा कि आपको बताया कि अभी लगभग DA के जो रेट्स हैं वो 46% के आसपास चल रहे हैं, और अगर मैं अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर के डाटा को देखूँ तो 49% के आसपास ये जा रहे हैं। तो ये बात तो कन्फर्म है कि 1 जनवरी 2024 से जो आपका DA के रेट्स हैं वो 50% को क्रॉस कर जाएंगे। अब यहां पर भी एक पेंच फंसा हुआ है। 7वें वेतन आयोग में ये कहा गया था कि जब 50% DA आपका हो जाएगा तो इस DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा, यानी कि जैसे आपकी ग्रुप डी में अभी बेसिक पे 18,000 रुपए है और जब 50% DA हो जाएगा तो 9,000 रुपए इसमें आपके ऐड हो जाएंगे और ये जो बेसिक पे है ये 27,000 रुपए हो जाएगा। और जो DA के रेट्स हैं वो स्टार्टिंग से लागू हो जाएंगे, जैसे कि अगर 5% से लागू होते हैं तो 5% से लागू हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। जनवरी आने को है, DA के रेट्स 50% हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में भी अभी तक कोई ऐसा सर्कुलर तो वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट वगैरह जारी नहीं हुई है। तो पेच यहाँ पे फंसा हुआ है कि सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो किस प्रकार से होगा, तो कहीं ना कहीं ये बुरी खबर हो सकती है बहुत सारे कर्मचारियों के लिए। उसी तरह से अगर हम न्यू वैकेंसी की बात करते हैं तो न्यू वैकेंसी को लेकर भी सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ट्विटर कैंपेन कई बार हो चुका है, सरकार तक बातें जा रही हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जब एक मोनोपोली कहीं पे क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे जनता की या फिर हम लोगों की नहीं सुनी जाती है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। देखो, ये बात तो लगभग कन्फर्म है कि इलेक्शन से पहले रेलवे में बड़ी वैकेंसी तो आएगी, लेकिन किन पदों पर आएगी, कितनी पोस्ट होंगी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं जानकारी है। और बाकी रही बात प्रोटेस्ट की, तो ट्विटर प्रोटेस्ट तो लगभग अब फेल हो चुका है। बाकी फिजिकल प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो छात्रों का गुस्सा अगर हद से ज़्यादा पार हो जाता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि इलेक्शन से पहले वैकेंसी तो आपको 100% देखने को मिलेगी।